दिन की अहम खबर की ओर बढ़े उससे पहले देश और दुनिया की 50 अहम खबरें आपको दिखाते हैं। देश के कई राज्यों में तूफान से भारी नुकसान, अलग अलग शहरों में हादसों में 41 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में तूफान का सबसे ज्यादा असर, पेड़, होर्डिंग और दीवारें गिरने से हुए कई हादसे। जबरदस्त तूफान ने कई राज्यों में जान माल का नुकसान किया, पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की मौत, आंध्र प्रदेश में 9 लोगों की जान गई। दिल्ली NCR में धूलभरी आंधी और तूफान के बीच हल्की बारिश, अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में तूफान से कई जगह पेड़ गिरे और होर्डिंग्स टूटे, हादसे में 2 लोग मारे गए। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में 56 साल की महिला पर टूटकर गिरा पेड़, मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तूफान से मची बड़ी तबाही, 20 लोगों की मौत, 25 लोग घायल। आंधी तूफान से यूपी के संभल में बड़ा हादसा, 100 से ज्यादा घरों में आग लगने से भारी नुकसान। संभल के गांव चाऊपुर डांडा में हुआ हादसा, दर्जन भर बच्चे लापता, कई पशुओं की मौके पर मौत। राहत और बचाव के लिए प्रशासन ने फायर फाइटर्स और पुलिस की टीम लगाई, डिप्टी कलेक्टर और CO ने मौके का दौरा किया। यूपी के बिजनौर में आंधी तूफान से 7 झोपड़ियों में आग लगी, गरीबों का ज्यादातर सामान जलकर खाक। बिजनौर में आंधी तूफान से कई जगह पेड़ गिरे, कई जगह घंटों बिजली गुल रही, आंधी से कार पर गिरा पेड़, बाल बाल बची कार सवारों की जान। बुलंदशहर में तूफान के दौरान हाईवे पर 3 कैंटर पलटे, एक बाइक और कई गाड़ियां कैंटर में दबी। मथुरा में तेज हवाओं से दिन में छाया अंधेरा, पेड़ की चपेट में आने से बाल बाल बचा हेमा मालिनी का काफिला। मथुरा में सड़क पर पेड़ गिरने से घंटों रास्ते पर फंसी रही हेमा मालिनी, लोगों ने कड़ी मशक्कत। मथुरा में सड़क पर पेड़ गिरने से घंटों रास्ते पर फंसी रही हेमा मालिनी, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ हटाया, तब गुजरा हेमा का काफिला। आंधी तूफान की वजह से गाजियाबाद में हादसा, कार पर पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में चलती मोटरसाइकिल पर गिरा होर्डिंग, महिला की मौत, बेटी की हालत गंभीर। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर में आंधी तूफान से गिरी दीवार, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, एक की हालत नाजुक। यूपी के कासगंज में आंधी तूफान और बारिश का कहर, ग्राम फिरौली में मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। यूपी के फिरोजाबाद में तेज आंधी के साथ ओले भी गिरे, कई कारखानों में काम रोका गया, आपदा प्रबंधन टीम सक्रिय। हरियाणा के फरीदाबाद में आंधी तूफान से दर्जनों लोग घायल, सड़कों पर पेड़ गिरे, कई मकानों की दीवारें भी ढही। मौसम विभाग का अलर्ट, 16 मई तक पूरे उत्तर भारत में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकता है तूफान। अगले 2 दिन तक मौसम खराब रहने का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव, सुरक्षित वोटिंग के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। आज पश्चिम बंगाल के सभी 20 जिलों में पंचायत चुनाव, 31,827 ग्राम पंचायतों में डाले जा रहे हैं वोट। राज्य में 621 जिला पार्षदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, 6,157 पंचायत समितियों के लिए भी मतदान हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। गोवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच अमित शाह का दावा, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। नतीजों से पहले सिद्धरमैया ने JDS पर फेंका पासा, बोले पार्टी चाहेगी तो दलित के लिए CM की कुर्सी छोड़ने को तैयार। 15 मई को कर्नाटक चुनाव के सबसे तेज नतीजे, जी न्यूज पर देखिए सुबह 6 बजे से लगातार। वैष्णो देवी जाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस नया रास्ता खुला, 19 मई को पीएम मोदी ताराकोट ट्रैक का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का आरोप, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में चिदंबरम की 5 करोड़ की संपत्ति। इनकम टैक्स की चार्जशीट में चिदंबरम के परिवार की विदेशी संपत्ति होने का जिक्र, संपत्ति की जानकारी नहीं देने का भी आरोप। कांग्रेस ने चिदंबरम पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया, पवन खेड़ा ने कहा बीजेपी पहले खुद पर लगे आरोपों का जवाब दे। चिदंबरम पर चार्जशीट के बहाने सोनिया पर अमित शाह का निशाना, ट्वीट में लिखा काले धन पर सोनिया, मनमोहन ने SIT क्यों नहीं बनाई थी। अमित शाह ने लिखा IT विभाग के मुताबिक चिदंबरम परिवार के पास $3 अरब की अवैध संपत्ति है।
इंडोनेशिया के सुराबिया शहर में 3 चर्च में आत्मघाती धमाके, 6 लोगों की मौत, 35 घायल। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। इंडोनेशिया पुलिस को इस्लामिक स्टेट से प्रभावित ग्रुप पर हमले का शक। नवाज शरीफ के कबूलनामे से पाकिस्तान में उठा सियासी तूफान। पाकिस्तानी सेना की मांग पर आज राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक। मुंबई हमले पर दिए बयान को लेकर नवाज शरीफ की सफाई, कहा मेरे बयान की मीडिया में गलत समीक्षा की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त, 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। मुंबई के महालक्ष्मी स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई बच्ची की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिर गई थी। बच्ची के मम्मी पापा ट्रेन में चढ़ गए थे, ट्रेन के अचानक चलने से बच्ची फिसल गई लेकिन उसे बचा लिया गया। दिल्ली के राजौरी गार्डन में तेज रफ्तार ट्रक ने शोरूम के बाहर खड़ी मर्सिडीज कार को टक्कर मारी, बेकाबू होकर पलटा ट्रक। यूपी के सीतापुर में आदमखोर कुत्तों का आतंक जारी, खैराबाद इलाके में 10 साल की बच्ची को मार डाला, लोगों ने किया प्रदर्शन। खैराबाद ब्लॉक के 22 गांव कुत्तों के आतंक से पीड़ित हैं। कुत्तों के हमले से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बेबस और बेसहारा बच्चों के लिए मसीहा बनी लुधियाना की जसवीर कौर, 2004 से अनाथ बच्चों की देखरेख कर रही है। मदर्स डे पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने संगम तट पर रेत से बनाई मां की कृति, फाइन आर्ट के इन छात्रों को सम्मानित भी किया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में सेल्फी लेने में गई एक युवक की जान, दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। वडोदरा में मुस्लिम संस्थान ने कराया सामूहिक विवाह का आयोजन, 8 मुस्लिम जोड़े और 3 हिंदू जोड़े शादी के बंधन में बंधे।